पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्या ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट वायरल किए हैं और वो मुझसे 50 लाख रुपए और घर की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करवाया है और मैं उनसे तलाक चाहती हूँ। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। दरअसल पीसीएस ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे, जिसके बाद अब मैं आलोक मौर्य से तलाक ले रही हूँ। शादी के बाद काफी बाद में पता चला, करीब 8-9 साल बाद पता चला, उसके बाद मैंने पता किया। अच्छा, 8-9 साल तो छुप के रखा, बाकी रखा हुआ आदमी हमेशा ही आप रिकॉर्ड रखते। आजाद अधिकार सेना बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या द्वारा वायरल किए गए कथित वसूली लिस्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। हमने इस संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री से अविलंब प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कर उत्तरदायित्व के निर्धारण की बात कही है। आलोक मौर्या के अनुसार यह पूरी तरह से सही वसूली लिस्ट है, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले की जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से सारे तथ्य स्वतः ही सामने आ जाएंगे। इन स्थितियों में इस वसूली लिस्ट की जांच न किया जाना मौजूदा सरकार की जीरो टॉलरेंस की कथित नीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।